जब कोई, हम तो एमएलए है, ऐसा बात नहीं है, गैर आदमी भी चलता है, दूसरे के हाथ में रहता है, जब पुलिस को देखती है तो अपने हाथ में ले लेता है, दूसरे कांधे पर दूसरे हाथ में रखने का हक नहीं है। इसलिए अवधेश मंडल उनके पिता को, उनके बेटा को पकड़ लिया। धमकी भी मिला है? धमकी दिया है, धमकी सामने हम भी थे, हमको खबर किया, चूंकि एक ही जगह है, हम लोग तो रिलेटिव आदमी है ना, उनको गाली गलौज किया, कहाँ से राजस्थान से गाली गलौज करने लगा सब कुछ, उनकी बेटी चिल्लाने लगी, हम सोचे एक ही दीवार है भाई, क्या बात है, तब हम गए दो हमको। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फाउंडेशन और मैं स्वाति पांडे आपके साथ। जदयू विधायक बीमा भारती को जान से मारने की धमकी देने वाला बीजेपी का हो ही नहीं सकता है, वो भूमिहार ही होगा, क्योंकि भूमिहार लोग ही ऐसा करते हैं। ये कहना है जदयू विधायक गोपाल मंडल का। दरअसल नीतीश कुमार के बड़बोले विधायक गोपाल मंडल से जब सवाल पूछा गया कि आपके ही पार्टी के विधायक है बीमा भारती, उन्हें जान से मारने की धमकी दी जाती है और कहा जाता है कि ये धमकी देने वाला कोई और नहीं बल्कि बीजेपी का कोई नेता है, तो टपाक से जवाब देते हुए गोपाल मंडल कहते हैं कि बीजेपी वाले तो ऐसा कुछ कर ही नहीं सकते हैं, ये सारे काम जो है वो भूमिहारों का होता है, ये भूमिहार लोग ही लबर लबर और कुछ भी बोलता रहता है। साथ ही साथ जब बीमा भारती के पति और उनके बेटे को गिरफ्तार करने की बात जो है वो गोपाल मंडल से पूछी गई, जब उनसे पूछा गया कि बीमा भारती के पति और उनके बेटे को अवैध हथियार लेने के आरोप में इस जुर्म में उन्हें गिरफ्तार किया गया है, तो उनका कहना है कि बीमा भारती को लगता है कि नीतीश कुमार ने उनके पति और बेटे को गिरफ्तार किया है, तो ये गलत है, क्योंकि मुझे पता है नीतीश कुमार ऐसा कुछ नहीं करा सकते हैं, उनके पास लाइसेंस नहीं था, उन्होंने हथियार ले रखा था, इसीलिए वो गिरफ्तार हुए। तो देखिए गोपाल मंडल बीमा भारती को लेकर के, उन्हें जान से मारने की धमकी को लेकर के क्या कुछ कहते हैं, और साथ ही साथ एक जाति, एक समाज को लेकर, यानी भूमिहार समाज पर किस तरह से कटाक्ष जो है वो गोपाल मंडल ने भरा है, वो आपको सुना। जैसा माहौल था पटना में, अरे हम नहीं मिलते ना, नहीं होता, सरकार नहीं बनती, बोल हम ही ने भरका है। आप नहीं जाते थे, चेतनानंद भी नहीं निकलता? नहीं नहीं, वो तो निकाल लिया, वो तो वादा पड़ चुकी, आनंद मोहन सिंह को जेल से निकालने में नीतीश कुमार की अहम भूमिका है, उन्होंने नियम कानून बना के उनको जेल से निकाला, उस आधार पर उनको आना था, इसके लिए उसके भाई ने FIR किया, तब वहाँ से लाया गया। नीलम देवी अपने हस्बैंड को निकालने के लिए आए, हम कानून बना के कुछ निकालेंगे उनको, प्रहलाद यादव के लिए उनका बालू फ्री कर दिया, बहुत बात है, तीन तो उसी का सभा का सारा हो गया, सरकार बन गई है, क्या अब फिर से तैयारी में आप? हाँ, लोकसभा का दौरा करेंगे, सत्र खत्म होता है लोकसभा का दौरा करेंगे, चुनाव तो हम लड़ेंगे, चुनाव जदयू से हम लड़ेंगे, सीट भी है ये जदयू? हाँ, जदयू का सीट है, पिछले चुनाव हम जदयू से लड़ेंगे, जीत सुनिश्चित न, हम तो कहेंगे 2 लाख से ऊपर से लीड करेंगे, पहले हम बोलते हैं 3 हो जाए या 4 हो जाए 3.5 हो जाए उतना से हम जीतेंगे। लेकिन RJD के अलग होने से कुछ अंतर पड़ेगा क्या? अलग कोई अंतर नहीं पड़ता है, ऐसा कहीं कुछ नहीं। विधायक हैं, उनको धमकी मिली है, क्या कहेंगे सर? उनके पति को भी गिरफ्तार कर लिया गया, बेटा को भी गिरफ्तार कर लिया गया। देखिए शुरुआत करते हम, जब गिरफ्तार किया गया, उनका कहना है कि ये नीतीश कुमार ने ऐसा करवा रहा है, सो बात नहीं है, उनके हस्बैंड उनके बेटा दोनों आदमी एक गाड़ी पर था, और उनकी पत्नी उनकी बेटी एक गाड़ी पर थी, अलग अलग, तो जैसे कोई पुलिस चेक किया, वो तो पत्नी है, बेटा निकल गया, बेटी निकल गई, अब बेटा के नाम से लाइसेंस नहीं था, पति के नाम से लाइसेंस नहीं था, इस पर पुलिस ने पकड़ा, पकड़ के लौटा के ले गया, हाजत में बंद किया, वो तो चलना अवैध है। अगर हम समझते हैं, हम लोग भी हथियार लेके चलते हैं, जब कोई, हम तो MLA है, ऐसा बात नहीं है, गैर आदमी भी चलता है, दूसरे के हाथ में रहता है, जब पुलिस को देखती है तो अपने हाथ में ले लेता है, दूसरे कांधे पर दूसरे हाथ में रखने का हक नहीं है। इसलिए अवधेश मंडल उनके पिता को, उनके बेटा को पकड़ लिया। धमकी भी मिला है? धमकी दिया है, धमकी सामने हम भी थे, हमको खबर किया, चूंकि एक ही जगह है, हम लोग तो रिलेटिव आदमी है ना, उनको गाली गलौज किया, कहाँ से राजस्थान से गाली गलौज करने लगा सब कुछ,
उनकी बेटी चिल्लाने लगी। हम सोचे एक ही दीवाल है भाई, क्या बात है, तब हम गए दो हमको। हम जब कह अरे भाई सरकार गिराने में ठीक है कि हाथ है, लेकिन सरकार बन गई ना। हम विधायक गोपाल मंडल बोल रहे हैं, हम सरकार बना के मौजूद हैं, ये कोई दूसरा नहीं हमारा है। गाली गलौज काहे करते हो, हमको भी भद्दी भद्दी गालियां दे दी, तब हम भी बिगड़े उसके ऊपर। उसके बाद तुरंत पत्रकार को बुलाए, पत्रकार को बुला के हम बीमा भारती का बयान दिलवाए और FIR करवाए। क्या लगता है इसके पीछे कौन लोग हैं जो इस तरह से बने? अरे ये भारतीय जनता पार्टी नहीं बल्कि कुछ दारू पिए हुए लोग ऐसे करते हैं, वो है भूमिहार वर्ग के लोग, वही अलबल बकते हैं, वही गाली गलौज किया कि वो कोई सरदार होगा, कोई होगा इस टाइप का, उन्होंने गाली गलौज किया। गाली गलौज किया तो FIR हो भी किया, जान मार देंगे, गोली मार देंगे, ये सब अलबल बक्का। आपको भी विधायक जी कोई तरह का लोभ, जिस तरह की बात आ रही है सब की RJD के तरफ से मिलाने की कोशिश की गई थी क्या? देखिए काफी देखिए बात है, हम मिलेंगे क्या? हम तो लालू यादव से बहुत पहले से मिलते आ रहे, तेजस्वी भी मिले हैं, सरकार में थे उस टाइम में, उनको चादर दे के सम्मानित किए हैं, हम तो मिले हैं, हम तो गए, हम रात में भी बात किए हैं, ये सब ऐसी बात नहीं है। हम जाके रात में, और कोई गैर आदमी नहीं, हम लोग नज़दीकी आदमी हैं। तो जहाँ तक सवाल है सरकार किनकी भी रहे, जिसका जो संबंध है, तो हमारा तो संबंध है लालू यादव से, वैसा रिश्ता है, तो मिलते जुलते हैं। हमारा कोई हाथ नहीं था कि हम नीतीश कुमार के खिलाफ उनकी सरकार नहीं बने, महागठबंधन, ये सब बात नहीं, हम उस टाइप का लोग नहीं हैं। अब जो है अब लोकसभा